तो अब मैं निकल रहा हूँ मुर्दीश्वर से। काफ़ी बहुत ही सही एक्सपीरियंस रहा मेरा मुर्दीश्वर में। बहुत ही बढ़िया सा टेंपल है यहाँ पे समुद्र किनारे। सुबह मैं उठ के रेडी होके वहाँ पे दर्शन करने गया था और वहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक किए मैंने। यहाँ तक कि मैं बीच के ऊपर बाइक लेके भी गया, बाइक भी चलाई मैंने बीच के किनारे। वहाँ पे मैं हेलमेट लेके नहीं गया था तो वो गोप्रो वाले फुटेजेस नहीं हैं, बट मैंने मोबाइल से कुछ फुटेज लिए हैं। आई होप कि आपने वो सब फुटेजेस देख ही लिए होंगे। सो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने अपना डेस्टिनेशन मैपल बीच डाला है। प्लान है उडुपी पे स्टे करने का। सो यहाँ से शिव जी का स्टैचू दिख रहा है इतनी दूर से भी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टैचू है, बड़ा सा समुद्र किनारे। बस आसपास की जो सराउंडिंग है वो थोड़ी एकदम क्लीन होती ताकि दूर दूर तक वो स्टैचू दिखाई दे तो और अच्छा रहता। एक बार आप साउथ में एंटर कर जाओ तो आपको लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। हालांकि आपको ज़्यादा कॉन्वर्सेशन तो करनी नहीं होती है, स्टिल कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते तो आप उस वर्ड पे अटक जाते हो। ओके, सो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स उडुपी। उडुपी से थोड़ा सा राइट साइड में 5-6 किलोमीटर अंदर जाके है मैपल बीच। तो पहले मैं मैपल बीच पे जाऊंगा, वहाँ देखता हूँ अगर मुझे सस्ते रूम्स मिल गए तो ठीक है, नहीं तो उडुपी में जाके मुझे रूम लेना पड़ेगा। बिकॉज अभी जितना मैंने गूगल पे देखा है तो मैपल बीच पे तो ऑब्वियसली सब महंगे ही है। कॉटेजेस 3,000-2,000 एंड अपना बजट 1,000 तक है मैक्सिमम। अभी जो मैं लास्ट स्पॉट पे जहाँ रुका था उसका प्राइस था 500 रुपीज़। कल रात को भी रूम पे गया, बैठा आराम से थोड़ी देर, एक दो घंटा रिलैक्स किया और रूम पे ही मैंने कप नूडल होते हैं वो बना लिए। हालांकि भूख मेरे को बहुत भयंकर लग रही थी बट वो कप नूडल से मेरा काम चल गया। फिर वहाँ से मैं निकला तकरीबन 9:30 के आसपास। एक चक्कर मारा मैंने मंदिर के आसपास का और फिर वहाँ पे मैंने नूडल्स पैक करवाए और पानी की बॉटल ली और वापस रूम पे आके खाया। और सुबह सुबह आज मैं सबसे पहले उठा, रेडी हुआ। रेडी होने से पहले मैंने सारा सामान पैक कर दिया, फिर रेडी होके मैं मंदिर गया, वहाँ पे दर्शन किए और बाहर आके चाय पी और वापस से रूम पे आके फिर बाइक पे सारा सामान लोड किया, देन सेडल अप होकर निकला हूँ अभी। सो टोटल जो उडुपी का मैपल बीच तक का जो रास्ता है वो टोटल 101 किलोमीटर है जहाँ से मैं निकला था वहाँ से लेके। तो तकरीबन 2 घंटा जितना मुझे एस्टिमेट टाइम है, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा 2 घंटे के ऊपर ही होने वाला है। ओके, सो मेरा जो केरला का जो प्लान, जो मैंने पूरा प्रॉपर प्लान किया था वो था महाराष्ट्र, देन गोवा, देन गोवा के बाद कर्नाटका एंड देन कर्नाटका के बाद केरला एंड देन तमिलनाडु। बट अभी सीन ऐसा है कि केरला एंड तमिलनाडु में कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस है कोविड की वजह से। सो वहाँ पे जाने के लिए, एंट्री करने के लिए आपको ई पास चाहिए जो कि आपको सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा। बट वो ई पास का मुझे इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है और जितने भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं वो सब मोस्टली तमिल, तेलुगू और कन्नड़ा लैंग्वेज में ही है, तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि केरला का प्लान मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक दो जगह मैंने देखा कि केरला में एंटर करने से पहले 15 दिन आपको क्वारंटाइन में रह के आना ज़रूरी है, तो वो तो अपना क्वारंटाइन तो हुआ नहीं है। तो अब अगर क्वारंटाइन वाला सीन है तो फिर तो मुझे जाना नहीं है। और ई पास का जो सीन है वो भी मेरे को थोड़ा समझ के बाहर है, तो वो कैसा होगा, क्या करना है, कैसा करना है, वो मेरे को आज ही रात को डिसाइड करना होगा। सो केरला और तमिलनाडु का क्या होता है वो तो आगे पता चलेगा, अभी तो फ़िलहाल मैं कर्नाटका में ही हूँ और आज के दिन में मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 100 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ।
और अब मैं साउथ में आ गया हूँ तो एक साउथ इंडियन फूड तो बनता है, तो आज ट्राई करूँगा कि मैं साउथ इंडियन फूड खाऊँ, क्योंकि कल रात को भी मैंने नूडल्स ही खाए और आज सुबह सुबह जहाँ मैं चाय पीने गया था वहाँ पे डोसा इडली देख के मन ललचा गया था, लेकिन वो काफ़ी कंजस्टेड सी जगह थी, बैठने की जगह थी नहीं अच्छी, तो मैंने खड़े खड़े चाय पी और निकल गया। इतने दिन से मैं निकला हूँ, अभी तक एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ है कि मैंने रूम नहीं चेंज किया है। एक रूम पे मैंने अभी तक दो दिन को ही कंटिन्यू नहीं किया है, तो डेली मैंने सामान कैरी किया है अपनी बाइक पे और दूसरी जगह निकला हूँ। सिर्फ एक ही दिन ऐसा हुआ है गोवा, जहाँ मैंने सिर्फ 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही दूसरा रूम ले लिया था। सिर्फ वही एक दिन ऐसा था जिसमें मैंने मैक्सिमम 30-40 किलोमीटर चलाए होंगे। कन्याकुमारी है 846 किलोमीटर और मैंगलोर है 136। साइड बीच, वाओ, यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है बिकॉज इट्स हाईवे, तो आप रुक तो नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे चल के आनंद तो ले सकते हो। हालांकि अभी 1:30 बज रही है, धूप काफ़ी तेज है, यहाँ पे बोर्ड लगे हुए आई थिंक सो कि रुकना मना है, डेंजर एंड ऑल, स्टिल लोग रुके तो हुए हैं, बट व्यू सच में अमेजिंग है, समंदर किनारे हाईवे। आई थिंक ये एक ऐसी जगह है ना, इन सब जगहों को अगर आप फॉरेन की तरह डेवलप करो तो क्या सही दिखे, आपको एक मैक्सिको वाली फील आ जाए। मेरी गाड़ी रिजर्व में आ गई है, अब मुझे पेट्रोल भराना पड़ेगा और पेट्रोल पंप है यहाँ पे अंदर 300 मीटर, लेकिन अंदर कौन जाए स्पेशली। फिर से ब्यूटीफुल व्यू आने वाला है सामने, हमारे डेस्टिनेशन को अभी होंगे 40-45 किलोमीटर और जहाँ तक हमें पहुँचते आराम से 3-3.5 हो जाएंगे। दिन का टाइम है, सूरज निकला हुआ है, बट ह्यूमिडिटी और गर्मी वैसी फील नहीं हो रही जैसी मुझे महाराष्ट्र में हो रही थी, वहाँ तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी।
492 का पेट्रोल आया आज। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ पेट्रोल का प्राइस तो आसमान छूता जा रहा है। तो इस हिसाब से तो गुजरात बहुत बहुत सही है फिर पेट्रोल प्राइस के मामले में। राजस्थान आ गया हूँ, कोटा यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो कर्नाटका में था, राजस्थान कैसे पहुँच गया? कल मुझे पावागढ़ दिखाई दिया था। सो यहाँ से उडुपी रह गए हैं खाली 17 किलोमीटर। ओवरऑल हमको 20 किलोमीटर जितना और चलाना है अभी फॉर माल पे भी। मालपे बीच 3 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से। अभी फ़िलहाल मैं डायरेक्ट मालपे बीच जा रहा हूँ रिस्क लेके कि शायद कोई वहाँ पे सस्ता होटल मिल जाए, बट पता नहीं। तो नहीं मिला तो वापस से मुझे यू टर्न मार के उडुपी साइड जाना पड़ेगा होटल ढूँढने। मालपे बीच, वेलकम टू मालपे बीच। आई थिंक यहाँ पे रश काफ़ी होने वाला है, बहुत ज़्यादा रश होने रहने वाला है यहाँ पे। मालपे बीच
खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे छोटे छोटे घर है प्यारे। तो यहाँ पे कोई सी वॉक है ये, शायद ये रहा। यहाँ पर आप चल के एक पॉइंट तक पैदल जा सकते हैं। व्हीकल अलाउड है कि नहीं वो मुझे नहीं आइडिया, मैंने खाली मैप देखा है अभी तक, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो ये था मालपे बीच, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। तो अब मुझे चाहिए एक रूम, आई एम फीलिंग टायर्ड। हालांकि आज कोई इतनी खास ज़्यादा गाड़ी चला ही नहीं है, स्टिल बिकॉज ऑफ मे बी भूख की वजह से। कितना मस्त रास्ता है आज, दोनों तरफ छोटे छोटे घर। काश ऐसा है कि यहाँ पर घर हो और ये जगह गुजरात बड़ौदा में कहीं आसपास हो। जी देखिए इस मंदिर का आर्किटेक्चर कितना मस्त एंड सिंपल सुपर। अभी मुझे रूम के लिए समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कैसे जाऊँ। चलो पहले यहाँ पे आजू बाजू देखते हैं, कोई रूम मिलता है तो ठीक। रूम तो फ्रेंडली है लेकिन सब कॉस्टली ज़्यादा है और अपने को कॉस्ट एफिशिएंट चीज़ें चाहिए। रूम्स अवेलेबल? छोटा नहीं, डबल कॉटेज है। कैमरा है, कैमरा है, कैमरा वीडियो बना तो रिकॉर्ड कर यूट्यूब के लिए। तो आजू बाजू में मेरे को कहीं मिलेगा आपको? इधर एक स्कंदा बोल के, इधर मैं वडोदरा गुजरात। गुजरात? जी गुजरात का है, गुजरात से है। चलिए थैंक यू। नहीं नो प्रॉब्लम, थैंक यू। सिंगल नॉन एसी अवेलेबल? आई एम सर्चिंग फॉर रूम और मुझे यहाँ कोई रूम मिल नहीं रहा है। मोस्टली यहाँ सब फैमिली रूम्स है और होम स्टेज है, जो कि ऑब्वियसली बड़े बड़े रूम है तो काफ़ी महंगे हैं, 6,000-8,000 के, जो कि ऑब्वियसली अपने रेंज से तो कोसों दूर है। आई गेस मुझे उडुपी ही जाना पड़ेगा और सस्ता रूम। चलिए यहाँ से थोड़ा बाहर निकलते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमको यहाँ अंदर ही साइड में रूम चाहिए। और फिर बहुत ज़्यादा रूम ढूंढने के बाद फाइनली मुझे रूम मिला। एंड देन मैं रूम पे आके कुछ देर आराम किया। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग बिकॉज ऑफ रूम मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि उसके बाद शूट करने का मन ही नहीं किया। क्यों वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। सो टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल for more amazing moto vlogs, and I hope to see you soon in a next vlog. Till then, bye bye, take care, signing off. Padusale,